हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आप में से बहुत पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं बेबीज के लिए कोई स्टेनलेस स्टील बेबी बॉटल सजेस्ट करूं, तो आज मैं आपसे वो बॉटल शेयर करूंगी जो मैं अपनी बेटी के लिए यूज़ कर रही हूं। मेरी बेटी अभी 15 महीने की है और उसकी पानी की रिक्वायरमेंट्स के लिए मैं ये यूज़ कर रही हूं। बट इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो मैं बेबी बॉटल आपको दिखा रही हूं, ये 4-in-1 स्टेनलेस स्टील बेबी बॉटल है। जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है, राइट फ्रॉम 3 months अप टू अ गुड अमाउंट ऑफ एज, आप इसे उसकी ग्रोइंग नीड्स के लिए अलग अलग तरीकों से यूज कर सकते हैं। ये है लवलैब की 4-in-1 स्टेनलेस स्टील बेबी बॉटल, जिसमें 4 अलग मोड्स दिए गए हैं जिसको आप बेबी की ग्रोइंग नीड्स के अकॉर्डिंगली यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है इसमें निप्पल मोड, तो अगर आपका बेबी 3 महीने से ऊपर है तो आप ये निप्पल मोड यूज कर सकते हैं बेबी को फीड करने के लिए। दूसरा दिया गया है स्पाउट सिपर मोड, तो जब बच्चे 6 महीने से ऊपर हो जाते हैं और हमें उन्हें पानी पिलाने की आदत डालनी होती है, तो तब ये स्पाउट सिपर उनके लिए काफी कंफर्टेबल रहता है। तीसरा है स्ट्रॉ सिपर मोड, तो जब बच्चे 1 साल से ऊपर हो जाते हैं, हम स्पाउट सिपर से प्रेफर करते हैं उन्हें स्ट्रॉ सिपर पे लेके आना, तो तब आप इस मोड को यूज करके बच्चे को पानी पिला सकते हैं। एंड चौथा है टम्बलर मोड, जिसमें आप सिर्फ कैप लगाइए। कुछ बच्चों को आदत होती है कि वो डायरेक्ट बॉटल से पानी पिए, तो आप उसमें ये वाला मोड यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके डिजाइन और क्वालिटी की। तो ये बॉटल 240 ml लिक्विड होल्ड कर सकता है, वो इसकी कैपेसिटी है। डिजाइन आप देख सकते हैं, बहुत ही स्लीक डिजाइन दिया गया है। बाहर ये सिलिकॉन कवर दिया गया है, जिससे 2 चीजें होती हैं। एक तो जब बच्चे इसको पकड़ते हैं तो उनकी ग्रिप ठीक रहती है, ये बॉटल स्लिप नहीं करती, और दूसरा अगर आप इसमें कोई गर्म चीज डालते हैं तो उसके टेम्परेचर की वजह से बच्चे को इसको पकड़ने में अनइजीनेस नहीं होती, तो ये सिलिकॉन कवर उस तरीके से बहुत काम आता है। स्टील वाइज इसमें हाई क्वालिटी SS304 स्टेनलेस स्टील यूज किया गया है, जो इसको ड्यूरेबल बनाता है और लॉन्ग लास्टिंग बनाता है। तो एनीवेयर बिटवीन 2-2.5 साल तक आराम से ये बॉटल आपकी लंबा चल जाती है। मेरे पास इसके 2 कलर्स हैं, इसका रेड कलर मैं ठंडे पानी के लिए यूज करती हूँ और ब्लू कलर मैं गर्म पानी के लिए यूज करती हूँ, बिकॉज अपनी बेटी को अभी भी मैं रात को एक फॉर्मूला फीड देती हूँ। तो आइए अब इसके मोड्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है ये निप्पल मोड, ये स्लिम नेक निप्पल है। स्लिम नेक निप्पल इसलिए दिया गया है ताकि बच्चे को एक नेचुरल लैच की फीलिंग आए। अगर बच्चे को लगेगा कि वो मदर का ही निप्पल सक कर रहा है, तो उसके लिए बॉटल पे ट्रांजिशन करना इजी हो जाता है। नहीं तो आप जितनी भी अच्छी बॉटल ले लें, अगर उसके निप्पल में प्रॉब्लम है तो बच्चा कभी भी बॉटल पे ट्रांजिशन नहीं करता है। इसमें एंटी कॉलिक सिस्टम है, जिसकी वजह से हवा बच्चे के पेट में नहीं जाती है, तो उसको कॉलिक की प्रॉब्लम नहीं होती है। साथ ही ये बाइट रेजिस्टेंट है, तो 3 महीने के बाद जब बच्चे टीदिंग स्टार्ट करते हैं और वो निप्पल को चू करना स्टार्ट करते हैं, तो उसकी वजह से भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। दूसरा है स्पाउट सिपर मोड, तो अब आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर हो गया है, आपने उसे थोड़ा पानी पिलाना स्टार्ट करना है, तो आप ये मोड यूज करना स्टार्ट कीजिए। साथ ही इसमें टच फ्लो मैकेनिज्म भी है, जिससे आप पानी की जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा मोड है स्ट्रॉ सिपर मोड, अब स्पाउट से आपको बच्चे को स्ट्रॉक पे लेके आना है। अगेन यहाँ पे भी एंटी लीकेज वॉल्व दिया गया है ताकि एकदम से बहुत ज्यादा पानी ना आ जाए। इसमें भी टच फ्लो मैकेनिज्म है, तो आप पानी का जो स्पीड है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। स्ट्रॉ सिपर मोड में एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि इसमें वेटेड स्ट्रॉ का यूज किया गया है। तो वेटेड स्ट्रॉ से क्या होता है कि बच्चे किसी भी एंगल से पानी पिए, चाहे वो ऊपर करके पिए, सीधा करके पिए, बच्चों को यू नो उनके मूड के ऊपर डिपेंड करता है उनको कैसे पानी पीना है, तो किसी भी एंगल से अगर वो पानी पिएंगे तो पानी फ्लो करेगा। ऐसा नहीं है कि उन्हें एक ही तरीके से बॉटल को रख के पानी पीना पड़ेगा, जो उनके लिए बिल्कुल बोरिंग होगा और वो पानी पीना छोड़ देंगे। तो उस चीज का भी इसमें ध्यान रखा गया है, विच इज सो गुड। और लास्ट है टम्बलर मोड, जो बहुत सिंपल है। आपने बस कैप लगाया और जहां चाहे आप इस पानी को कैरी कर सकते हैं, आप साथ में ग्लास कैरी कर सकते हैं। नहीं तो ये जो बॉटल का माउथ है ये भी काफी सॉफ्ट है, तो डायरेक्टली भी आपका बेबी इससे पानी पी सकता है। जैसे मेरी डॉटर को डायरेक्टली भी पीना पसंद है, वो ग्लास से भी पीती है, तो दोनों ही तरीकों से ये मेरे काफी काम आ जाता है। क्लीनिंग की बात करूं तो इस बॉटल को क्लीन करना बहुत आसान है। आप इसे नॉर्मल वॉश कर सकते हैं, चाहे डिश वॉशर में, चाहे आप नॉर्मल जैसे बर्तन धोते हैं वैसे वॉश करके रख सकते हैं। और अगर आप स्टेरिलाइजर यूज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि प्रॉपर एक एक चीज स्टेरिलाइज हो, तब भी आप इसे स्टेरिलाइजर में डाल सकते हैं। ये स्टेरिलाइजर सेफ भी है, आई थिंक, विच मेक्स इट वेरी इजी। निप्पल वाइज मैं सजेस्ट करूंगी कि हर 3 महीने में आपको निप्पल चेंज करना चाहिए। ये तो किसी भी बॉटल के लिए सेम चीज होल्ड ट्रू करती है, बिकॉज इसके बाद क्या होता है कि निप्पल थोड़े खराब होने लग जाते हैं। ये जो आप निप्पल देख रहे हैं, ये सिलिकॉन से बनाया गया है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का
सिलिकॉन यहाँ पे यूज किया गया है। एंड दैट्स इट गाइस, लवलैब की ये 4-in-1 स्टेनलेस स्टील बॉटल आपको लवलैब की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और आपको अमेजोन पे भी मिल जाएगी, कंसिडरिंग काफी लोग अमेजोन से बाय करते हैं तो वहां से क्विकली डिलीवर भी हो जाती है। मैं ये बॉटल अपनी बेबी की वाटर नीड्स के लिए यूज कर रही हूँ, मुझे काफी टाइम हो गया है, मैंने बहुत रिसर्च करके इसको मंगाया था, इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं एंड मैं भी इससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। तो वो सारे पेरेंट्स जो मुझसे पूछे जा रहे थे कि कोई स्टेनलेस स्टील ऑप्शन सजेस्ट करो, आई एम श्योर आज वो बहुत खुश होंगे। चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड मुझे जरूर बताना इफ यू लाइक इट। ये एक ऐसी बॉटल है जो आपको लंबे टाइम तक लास्ट करेगी, तो आई एम श्योर इट विल बी अ गुड बाय फॉर यू। थैंक यू सो मच, बाय बाय।